गुड मॉर्निंग गाइस, और अब हम मनाली से अटल टनल की तरफ निकल पड़े हैं। मौसम बहुत सुहावना है, बहुत दूर पहाड़ों पर अब भी बर्फ़ दिख रही है और ये बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है। बादलों से पहाड़ घिरे हुए हैं, लग रहा है फिर स्नोफॉल होगी, पूरे चांसेस हैं, आप देख सकते हैं। पहाड़ों की हरियाली और सफेद पहाड़ दोनों मिलकर इस माहौल को बहुत ही खुशनुमा बना रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। सामने वाले पहाड़ों को देखिए, एक चोटी के पीछे दूसरी चोटी ऐसी लग रही है जैसे दोनों एक दूसरे को हेलो हाय बोल रहे हो। और क्योंकि ये पीक सीजन है तो इस टाइम काफ़ी भीड़ है मनाली में, ये पीक टूरिस्ट टाइम है। और हम चढ़ाई पर खूबसूरत रास्ते घूमते हुए और दूर कहीं पहाड़ों पर कभी जिंदगी ने मौका दिया तो एक आशियाना बनाएंगे। साल का एक महीना तो पहाड़ों में ही बिताएंगे। रास्ते बहुत साफ और स्मूथ है, थैंक्स टू BRO। ये देखिए, सो रहा है जिसने कहा था वो वीडियो बनाएगा। कभी कभी लगता है इन पहाड़ों में आके जिंदगी के कुछ साल और बढ़ गए। शहरों की भागती हुई जिंदगी, चकाचौंध भरी लाइफ, रोज की स्ट्रेस से निकलकर जब इन पहाड़ों में आते हैं तो भूल जाते हैं कुछ वक्त के लिए कि हमारी एक और भी दुनिया है। प्रकृति का ये रूप अपने आप में हमें याद दिलाता है कि इंसान ने ही इसे खराब किया है। अपने आप में नेचर बहुत कुछ देता है, जीने की नई उम्मीद देता है। आप देख सकते हैं क्या इस हरियाली को देखकर, इन पहाड़ों को देखकर और इन रास्तों को देखकर एक बार फिर से जी उठने का मन नहीं करता। हम लोगों ने अपने हिसाब से नेचर को बदलने की कोशिश की, फिर भी प्रकृति तो प्रकृति ही है, उसकी भी अपनी यात्रा है, वो अपने आप से हमें आगे जाने नहीं देगी। और इन खूबसूरत लम्हों में आप देख सकते हैं कि प्रकृति हमें इनवाइट करती है अपनी तरफ, आकर्षित करती है, जैसे किसी छोटे से बच्चे की खूबसूरत मुस्कान हो।
तो जब हम इस हरे भरे पर्यावरण को देखते हैं और इन हरे सफ़ेद बादलों से भरे पहाड़ों को देखते हैं तो अपने आप ही एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है। कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ देर के लिए काम की स्ट्रेस, घर की परेशानियाँ, ज़िंदगी की दौड़ भाग सब भूल जाते हैं। और शायद प्रकृति तो यही सिखा रही है और शायद उसके पास हर प्रॉब्लम का एक सलूशन है। देखिए ऊपर बादल गिरे हुए हैं पहाड़ों के ऊपर और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम सोलांग वैली क्रॉस कर चुके हैं और हम बहुत ही जल्द अटल टनल पर पहुंचने वाले हैं। रास्ता बहुत ही स्मूथ है, बहुत साफ है, मौसम बहुत साफ है और ये नज़ारे तो बस पूछिए ही मत। नेचर की खूबसूरती अपनी चरम सीमा पर, ऐसे में ड्राइव करने का भी अपना ही मज़ा है। तो ड्राइवर जी बैठे हैं, जो ड्राइविंग को पहाड़ों में ड्राइविंग को इतना इंजॉय करते हैं कि कल शाम 6 बजे से कॉन्टिन्यूस ड्राइविंग हो रही है, ब्रेक लेने का मन नहीं है इनका। और नेचर के साथ इंसान की इंजीनियरिंग का एक खूबसूरत नमूना जो आप देख रहे हैं। हम एक टनल ही पास कर रहे हैं, क्रॉसिंग है, लैंडस्लाइड होता था इधर तो उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए रोड ना टूटे ऊपर से पूरा पक्का कर दिया उसको। तो देखिए कितना सिनेमैटिक व्यू है। जब गूगल पर कभी वॉलपेपर सर्च करें और ऐसे वाले आ जाएं तो यूजुअली हम डाउनलोड कर लेते हैं, तब ये ध्यान में नहीं आता कि नेचर ने अपने आप में बहुत सारे वॉलपेपर्स बना के दिए हैं। तो आज कुछ वॉलपेपर के स्क्रीनशॉट्स मैं भी ले लेती हूँ